यहाँ के लोग को, बिहार से के लोग को तो पहले ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक रूल्स ही नहीं पता है। ये लोग सिग्नल हॉर्न मारते रहो इनको कोई। तो दोस्तों हम लोग सर से जानने वाले कि मान लीजिए कि पहले बिहार शरीफ में नहीं रहते थे और बिहार शरीफ में चलाना सीखे, तो सबसे पहले जानते हैं सर का नाम क्या, क्या नाम हुआ आपका सर? उत्कर्ष। और कितने दिन से ड्राइव कर रहे हैं? 23-24 दिन हो गए। 23-24 दिन हो गए। तो सबसे पहले जब आए थे तो आपके पास कैसा कॉन्फिडेंस था, और अभी चला रहे हैं तो कैसा कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं? पहले आए थे तो स्टार्टिंग में दिक्कत हुआ था बीच में, फिर अभी भी थोड़ा बहुत हो ही रहा है, लेकिन लेकिन लेफ्ट राइट के जजमेंट में दिक्कत हो रहा है, कभी कभी टर्निंग में स्टीयरिंग कितना मोड़ना है उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है, लेकिन हाँ पहले से काफी बेटर है। पहले जब स्टार्टिंग में आप आए थे तो आपको डायरेक्ट रोड पे दे दिया गया था, तो वहाँ पे आपको स्टार्टिंग में डर लग रहा था, और आपके पास पहले से कॉन्फिडेंस बहुत लो था, और धीरे धीरे आपने बूस्ट किया। बीच में बताया था ना कि बीच में एक बार डाउन होगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस जो होगा डाउन होगा, और बीच में बहुत सारा गैप कर दिया। तो चलिए सर से अभी जानते हैं हम लोग कि बिहार शरीफ में चलाते हैं तो बिहार शरीफ लोगों का जो इधर से निकलना ट्रैफिक होता है और लोग होते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? यहाँ के लोग को, बिहार शरीफ के लोग को तो पहले ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक रूल्स ही नहीं पता है। ये लोग सिग्नल हॉर्न मारते रहो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, ये लोग कभी भी ओवरटेक करेंगे तो लेफ्ट से ओवरटेक कर लेंगे, बिना हॉर्न मारे, बिना कुछ किए, बिना मतलब कोई भी इंडिकेशन दिए हुए, सामने वाले को वार्निंग दिए ऐसे ही वो गाड़ी निकाल लेंगे। तो इस तरीके के सिचुएशन अगर मान लीजिए लोग क्रिएट करते हैं, तो नए नए सीखने वाले रहते हैं जैसे आप हैं, तो आपको क्या मतलब गाड़ी आगे से क्रॉस होती है तो डर लग जाता होगा? हाँ डर लग जाता है, लेकिन फिर आप यही कर सकते हैं, आप धीरे चल सकते हैं, अपने गाड़ी को बचा के चलिए, आराम से चलिए, अगर आप मेन सिटी में चल रहे हैं, ताकि अपने गाड़ी को कंट्रोल में कर सके। और क्या लगता है कि जब आप हॉर्न बजाते हैं तो आगे जो रहते हैं बिहार शरीफ के लोग, बहुत सारे लोग, वो साइड होते हैं कि नहीं होते हैं? इनको कोई फर्क नहीं पड़ता बिहार से, कोई फर्क नहीं, अब हॉर्न मारते रहिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे कि सर बता रहे हैं हॉर्न मारते रहिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग नए हैं, ग्रुप में चलते हैं, और ग्रुप में चलने से रोड पर चलने वाले लोगों को तकलीफ बढ़ जाती है। और टोटो वगैरह रहता है, टोटो और टेम्पो ये सब जो ऐसा ओवरटेक करेगा जहाँ तहाँ रोक देता है, जिससे नया नया चलाने को नहीं फर्क पड़ता, ये लोग आपके गाड़ी रगड़ के निकल जाएंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग बहुत रफ चलाते हैं, स्पेशली बिहार शरीफ। तो गया में आप गए, आपके घर गया, तो गया में क्या, गया और बिहार शरीफ में कंपेयर किया तो बेटर कौन सा, और किस तरीके? गया में फिर भी, गया में भी मतलब ऐसा नहीं है, गया में भी वो लोग रफ चलाते हैं, लेकिन बिहार शरीफ से बेटर है कंडीशन, वहाँ बेटर कंडीशन है, बिहार शरीफ का कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल है। तो दोस्तों जैसे कि बोल रहे हैं कि बिहार शरीफ का कंडीशन गया से अच्छा नहीं है, तो कभी गया जाएंगे तो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे गया का क्या कंडीशन है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।